हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमास क्रिएटिव कॉर्नर। मैं हूं उमा। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बॉश डिशवॉशर का कंप्लीट रिव्यू, और इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिशवॉशर के अंदर का रिव्यू। डिशवॉशर को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें दो रैक दिए हुए हैं, और ये है सबसे ऊपर वाला रैक। यहाँ पे आप छोटे प्लेट्स, कटोरी, ग्लासेस, स्पून्स रख सकते हैं। इस छोटे रैक में हम बटर नाइफ या फिर फॉर्क को इसमें फिक्स करके रख सकते हैं। अगर बर्तन बहुत ज्यादा है तो इस ट्रे को हम रिमूव या फिर फोल्ड भी कर सकते हैं। ये छोटा रैक भी स्पून्स के लिए दिया हुआ है, इसे भी हम फोल्ड या फिर रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट रो की हाइट को हम ऊपर या नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से इस लीवर को हमें पुल करके एडजस्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट रो। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकंड रो। यहाँ पे हम प्लेट्स रख सकते हैं। ये फोल्डेबल होता है, इसे फोल्ड कर हम बड़े बर्तनों को रखकर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम प्लेट्स रख सकते हैं। और ये है स्पून रखने के लिए बास्केट। इसमें एक साथ 70-80 स्पून्स रख कर हम वॉश कर सकते हैं। और ये भी एरिया प्लेट्स के लिए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था सेकेंड रो। फ्रेंड्स, ये है डिटर्जेंट का कंपार्टमेंट। इसमें आप डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट का टैबलेट भी डाल सकते हैं। इस तरीके से स्लाइड करके हम इसे क्लोज कर लेंगे। और ये है रिनसेट का कंपार्टमेंट। इसमें हमें रिनसेट डालना होता है। रिनसेट को हमें सिर्फ हफ्ते में एक बार ही डालना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में हमें सॉल्ट डालना होता है। सॉल्ट डालने से ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव करता है। सॉल्ट को सिर्फ 1 मंथ में एक बार डालना होता है। यहाँ एक और कंपार्टमेंट है। इसमें फूड के पार्टिकल रेसिड्यूज जाके जमा हो जाते हैं। इसे हमें 1-2 दिन में साफ करना होता है। एरो को इस तरीके से मिलाने से ये क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिशवॉशर में कौन से बर्तन का यूज कर सकते हैं और कौन से बर्तन का यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से बर्तनों का यूज हम नहीं कर सकते। नाइफ, स्पून, नॉन स्टिक पैंस, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, प्रेशर कुकर के लिए सॉफ्ट प्लास्टिक, प्रिंटेड लेबल वाले कप्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिशवॉशर में कौन से बर्तनों का यूज हम कर सकते हैं। इसमें हम स्टील के कुकर, कढ़ाई, प्लेट्स, चम्मच, माइक्रोवेव, रेजिस्टेंस प्लास्टिक और ग्लास का यूज कर सकते हैं। इस डिशवॉशर में हम एक बार में 80 यूटेंसिल्स लोड करके वॉश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ गंदे बर्तन। इसमें से हमने चावल के दानों को निकाल लिया है ताकि फिल्टर जल्दी ब्लॉक ना हो सके। यहाँ हम स्टील के मुर्गों के सांचे को भी डिशवॉशर में डालेंगे। तो चलिए अब डिशवॉशर में बर्तनों को लोड कर लेते हैं। प्लेट्स को हमने नीचे की रो में इस तरीके से रख लिया है। छोटे प्लेट्स और कटोरी को हमने ऊपर वाले रो में रख लिया है। मुर्गों के सांचे को भी हमने इस तरीके से रख लिया है। बटर नाइफ को हम इस तरीके से फिक्स करके रख लेंगे, और स्पून्स को भी हम ऊपर वाले रैक में रख लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारे बर्तनों के डायरेक्शन को नीचे की तरफ रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरीके से धुल सके। चम्मच को भी हमें ऐसे उल्टे डायरेक्शन में रखना है, नहीं तो चम्मच के अंदर भी पानी भर जाता है और ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्लास का कंटेनर कितना गंदा है। यहाँ हमने हीट रेजिस्टेंस ग्लास के कंटेनर का यूज किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिया है स्टील के इडली बनाने का साचा। इसे भी हम प्लेट के साइड इस तरीके से रख लेंगे। ये स्टील का गंज आप देख सकते हैं कितना ऑयली है। यहाँ हमने माइक्रोवेव रेजिस्टेंस का प्लास्टिक ही डिशवॉशर के अंदर डाला है। ये साइन देखकर ही आप प्लास्टिक के बर्तनों को डिशवॉशर में डालें। फ्रेंड्स, आप इस एल्युमिनियम के बर्तन को देख सकते हैं। इसे हमने कुछ दिन पहले ही डिशवॉशर में डाला था और इसका कलर फेड हो चुका है। यहाँ हमने स्पून के बास्केट का यूज नहीं किया है। स्पून को हमने ऊपर की रैक में लगा लिया था, तो इस बास्केट की जगह हमने कई सारे बर्तनों को जमा लिया है। सो फ्रेंड्स, हमने सारे बर्तनों को जमा लिया है। रैक्स को अंदर करने के बाद हम फैन को इस तरीके से घुमाकर देख लेंगे।
आप देख सकते हैं फैन प्लेट में टच हो रहा है। इस प्लेट को हम निकाल लेंगे और फिर से हम फैन को घुमाकर देख लेंगे। आप देख सकते हैं फैन स्मूथली चल रहा है। ऐसे ही हम नीचे के फैन को भी चला करके चेक कर लेंगे। जो प्लेट फैन में टच हो रहा था उसे हम रीअरेंज कर लेंगे। और दोबारा फैन को घुमा करके चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फैन आराम से चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि वॉशिंग के लिए हमें कौन कौन सी एसेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी। ये है वॉशिंग एसेंशियल। पहला है फिनिश का डिटर्जेंट पाउडर, दूसरा है रिंसेट जो बर्तनों को चमकाने और ड्राई करने में हेल्प करता है। यहाँ आप पाउडर डिटर्जेंट और रिंसेट की जगह टैबलेट्स का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट है सॉल्ट, इससे बर्तनों में पानी के स्पॉट्स के दाग नहीं आते। बॉश ने फिनिश का ही प्रोडक्ट यूज करने के लिए रिकमेंडेड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं डिटर्जेंट के कंटेनर में 3 लेवल्स दिए हुए हैं। यहाँ हमने डिटर्जेंट को मीडियम लेवल तक डाला है क्योंकि बर्तन ज्यादा नहीं है। डिटर्जेंट डालने के बाद हम इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। रिंसेट को हफ्ते में एक बार डाला जाता है और हमने ऑलरेडी रिंसेट को डाल दिया है तो अभी हम रिंसेट नहीं डालेंगे। इसे भी हम क्लोज कर देंगे। अब हम डिशवॉशर को इस तरीके से क्लोज कर देंगे। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि बॉश डिशवॉशर को ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट का बटन ऑन करेंगे। यहाँ पे टाइमर का डिस्प्ले दिखाएगा। इसमें टोटल 5 मोड्स दिए हुए हैं। पहला मोड है 70 डिग्री सेल्सियस में 2 आवर्स 15 मिनट्स बर्तन वॉश होगा। सेकेंड मोड है ऑटो मोड, इसमें 45 डिग्री टू 65 डिग्री सेल्सियस में 2 आवर्स 40 मिनट्स के लिए बर्तन धुलेगा। थर्ड है इको मोड, इसमें 50 डिग्री सेल्सियस में 330 मिनट्स के लिए बर्तन धुलते हैं। इस मोड में डिशवॉशर पानी बहुत कम लेता है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। फोर्थ है 49 डिग्री सेल्सियस में 29 मिनट्स के लिए बर्तन धुलेगा। और फिफ्थ है रिंसेट मोड, ये सिर्फ 15 मिनट का होता है। सॉल्ट और रिंसेट अगर खत्म हो गया है तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ये बटन है हाफ लोड का, ये बटन है टाइम सेट करने का। अगर हमें 1 आवर्स 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद मशीन को ऑन करना है तो हम इसे इस तरीके से सेट करके ऑन करके छोड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स डिशवॉशर में बर्तन कम है और ज्यादा गंदे नहीं है तो हम इसे 29 मिनट्स में सेट करके स्टार्ट कर लेंगे। 29 मिनट्स हो चुके हैं और डिशवॉशर भी रुक गया है। तो इस कंडीशन में आप इसे बिल्कुल ना खोलें क्योंकि गर्म पानी से बर्तन धुलते हैं, इसीलिए इसमें इस तरीके से स्टीम्स निकलने लगती है और बर्तन भी काफी गर्म होते हैं। तो इसे 10 से 15 मिनट के बाद ही ओपन करना चाहिए ताकि बर्तन नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं कि 29 मिनट्स में बर्तन अच्छे से धुल गए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये ऑयली गंज को। आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन हो गया है और शाइन भी बहुत कर रहा है। ये है चाय का बर्तन, ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। इडली के साचा भी काफी बढ़िया तरीके से साफ होके चमक रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे बर्तनों में नए बर्तनों के जैसे शाइनिंग आ चुकी है और सारे बर्तन कंप्लीटली ड्राई भी हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मुर्गू का साचा कितना क्लीन हो गया है और अंदर से भी ये पूरी तरीके से क्लीन है। स्पून बटर नाइफ सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चम्मच नया जैसा बिल्कुल शाइन कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं डिशवॉशर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। डिशवॉशर में हाइजीन वॉश होता है और सबसे बड़ी बात वाटर 80% सेव होता है। कम्प्लीटली ड्राई होके बर्तन निकलते हैं, टाइम सेव होता है और हमें थकावट भी नहीं रहती। और सबसे अच्छी बात मेड रखने की भी जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिशवॉशर के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला तो
डिशवॉशर काफी महंगा होता है। सभी तरह के इसमें बर्तन हम यूज नहीं कर सकते, इसमें रिक्वायरमेंट डिटर्जेंट ही डालना होता है। अगर बर्तनों में बहुत ज्यादा सूखा हुआ खाना या गंदे दाग लगे हो तो डिशवॉशर में ये प्रॉपरली वॉश नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, बॉश डिशवॉशर की लिंक और सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो और आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।